हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सीक्रेट्स। आज मैं आप सबके साथ एक मैजिकल हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर ऑयल मेरे हेयर लॉस को रोकने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है। ये हेयर ऑयल हेयर फॉल रोकने में बहुत हेल्प करता है। इस ऑयल से बालों में एक्स्ट्रा शाइन आती है। ये ऑयल हेयर ग्रोथ को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। इस हेयर ऑयल का मेन इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा है। एलोवेरा हमारे स्कैल्प में हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। एज आई कैन से, ये हमारे हेयर ग्रोथ को एक बूस्ट देता है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी एंड ई पाए जाते हैं, जो हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम करता है और बालों को स्ट्रेंथ देता है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो डैंड्रफ को भी कम करके स्कैल्प के इचिनेस को भी कम करता है। इस ऑयल को लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो स्कैल्प को साफ करता है और बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। एलोवेरा हमारे बालों को एक्स्ट्रा शाइन देता है। इस हेयर ऑयल का सेकेंड इंग्रेडिएंट्स कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल बालों के सारे प्रॉब्लम्स का ऑल इन वन सॉल्यूशन है, जैसे बालों का झड़ना कम करना, हेयर ग्रोथ करना, दोमुहे बालों को कम करना, बालों को मोटा घना बनाना, बालों में चमक लाना एक्सेट्रा, ये सब कैस्टर ऑयल करता है। इस हेयर ऑयल का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स विटामिन ई की कैप्सूल है। विटामिन ई बालों को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान कर तनाव से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के असर को कम करता है। अगर तनाव कम होगा तो बालों की समस्या भी कम होगी। चलिए अब देखते हैं इस हेयर ऑयल को बनाने का प्रोसेस। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हम लोग फ्रेश एलोवेरा लेंगे, उसे अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद एलोवेरा की साइड्स को हम लोग कट कर देंगे, ताकि इसके सारे कांटे निकल जाए। अब इसे हम लोग मीडियम साइज में कट कर लेंगे। अब एलोवेरा को बीच से हम लोग स्लिट कर लेंगे, ताकि इसका पल्प आसानी से निकाल सके। आपको जब भी एलोवेरा के पल्प की ज़रूरत हो, आप इसी तरह से फ्रेश एलोवेरा लेके बीच से स्लिट करके पल्प निकाल लें। ऐसा करने से आपको अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के एलोवेरा पल्प मिल जाएंगे। अब एक बोल में चम्मच की सहायता से हम लोग एलोवेरा के पल्प को निकाल लेंगे। यहाँ पे मुझे आधा कटोरी के आसपास एलोवेरा का पल्प मिल गया है। अब इसे हम मिक्सर के जार में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब हम लोग एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई अगर लोहे की हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हो। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें हम लोग एक चम्मच के आसपास काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च को इस तेल में डालने से इस तेल में फंगस नहीं आएगा और इस तेल को हम लोग लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। काली मिर्च हमारे स्कैल्प में हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करती है। काली मिर्च के गर्म हो जाने के बाद हम लोग इसमें आधा कटोरी के आसपास नारियल तेल डालेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग एलोवेरा पल्प डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा गैस लो फ्लेम पे होना चाहिए। हम लोग इस ऑयल को 10 से 15 मिनट के तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। 10 मिनट में एलोवेरा के सारे गुडनेस नारियल तेल में आ जाएंगे। 10 मिनट रखने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और ऑयल को ठंडा होने छोड़ देंगे। अब इस ऑयल में एलोवेरा की सारी गुडनेस आ गई है। तेल ठंडा होने के बाद एक ग्लास कंटेनर में इस तेल को छान लें। बेटर होगा अगर आप इसे कॉटन क्लॉथ से छाने, स्ट्रेनर में छानने से एलोवेरा इसमें आ सकती है। इस ऑयल को रखने के लिए हमें शीशे का कंटेनर ही चाहिए, प्लास्टिक बोतल में इसे बिल्कुल ना रखें। हमारा गुडनेस से भरा हुआ एलोवेरा ऑयल रेडी है। आप चाहे तो इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा और पावरफुल बना रही हूँ।
इसलिए मैं इस ऑयल में एक चम्मच के आसपास कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ और 2-3 कैप्सूल विटामिन ई की डाल रही हूँ। इन तीनों के मिक्सचर से हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। पावरफुल कहने से मतलब है कि इन तीनों का मिक्सचर हमारे हेयर ग्रोथ को डबल ट्रिपल कर देता है। इस हेयर ऑयल को हम लोग वीक में 2-3 बार लगा सकते हैं। इस हेयर ऑयल को लगा के मिनिमम 2 आवर रखें, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। इस हेयर ऑयल को चाहे तो आप ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसके बेटर रिजल्ट के लिए आप इस हेयर ऑयल को 2-3 मंथ तक ज़रूर यूज़ करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैं बहुत ही जल्दी एक नए होम रेमेडी के साथ मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।